हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरु माया हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 13th of April से लेके 19th of April तक की। तो चलिए देखते हैं कि इस वीक में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर एरीज, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक में। एबस, द हायरोफेंट, द फूल, पोप एंड द जजमेंट। तो हमारे पास कार्ड है एबस का। एबस के कार्ड के साथ आई थिंक कोई पर्सन आपकी राह देख रहा है। अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखें तो ये जो लेडी है या यहां पे खड़ी होके किसी का इंतजार कर रही है, रास्ता देख रही है। एंड ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको मिस कर रहा है बहुत बुरी तरह। इनफैक्ट इस पॉइंट पे ये पर्सन पूरी तरह से आप पे फोकस्ड है। हो सकता है आप दोनों के बीच कुछ दूरियां आ गई हो, कुछ इश्यूज क्रिएट हो गए हो, या आपका एक्स भी हो सकता है। खैर, चाहे सिचुएशन जो भी है, ये पर्सन यहां पे आपके बिना बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि वो अपने स्पिरिट से दूर आ गए हैं, अपने हर सेल्फ से दूर आ गए हैं और रास्ता भटक गए हैं। द हायरोफेंट के कार्ड के साथ ये पर्सन अभी तक समझ नहीं पा रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। अभी तक उन पर ईगो हावी था। अभी तक उनके मन में ये बात थी कि चाहे जो हो जाए, मुझे अपनी तरफ से सॉरी नहीं कहना या अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करना। द हायरोफेंट के कार्ड के होने का मतलब है कि अब ये पर्सन पहले से ज्यादा वाइज है, पहले से ज्यादा समझदार है एंड अंडरस्टैंडिंग है। ये पर्सन चाहता है कि चाहे जो हो, अब चीजों को सॉर्ट आउट करना जरूरी है। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन का रियलिटी से सामना हो गया है। ये पर्सन काफी कुछ अपने कर्मा को झेल करके यहां तक आया है। इस समय इनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो ये किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, किसी को समझा नहीं पा रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें कोई रीड भी नहीं कर पा रहा। द फूल के कार्ड के साथ लिब्रा, ये पर्सन मुझे नहीं लगता कि ज्यादा दिन तक साइलेंट रह पाएगा। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये वीक बहुत सारे सरप्राइजेस के साथ आने वाला है। ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करेगा। ये पर्सन आपको ये बताएगा कि वो क्या चाहते हैं या उनके दिल में क्या चल रहा है। हालांकि इनकी अभी भी ये कोशिश है कि ये अपने फीलिंग्स को अपने अंदर ही रखें। ये पर्सन इस तरीके से कह सकते हैं कि ब्रॉट अप है या बड़ा हुआ है कि इनके दिमाग में ये आइडिया है कि अपनी फीलिंग्स को जाहिर करना एक वीकनेस का साइन है और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। द फूल आपसे कह रहा है यहां पर कि ये पर्सन अब बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील कर रहा है, वल्नरेबल फील कर रहा है। इतना कि लाइफ में इन्होंने पहले ऐसा कभी फील नहीं किया और अब ये ज्यादा दिन तक अपनी फीलिंग्स को रोक नहीं सकते। द पोप के कार्ड के साथ इस पर्सन को पता है कि उन्हें आपके जैसा लॉयल पर्सन नहीं मिलने वाला। ये पर्सन आपके वर्थ को समझ चुका है लिब्रा। इनफैक्ट ये जजमेंट का कार्ड देख रहे हैं आप, ये पर्सन कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाला है इस वीक में। अब इनके अंदर ये बदलाव आ गया है कि ये आपके बजाय खुद को जज कर रहे हैं। ये पर्सन आप में गलतियां ढूंढने के बजाय खुद को सुधारने की कोशिश कर रहा है, खुद के इश्यू से लड़ने की कोशिश कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि चीजों को एक बेहतर तरीके से हैंडल कर पाए। जजमेंट का कार्ड यहां पे एक ऐसे डिसीजन को दर्शाता है जो आप दोनों के लाइफ पर बहुत दूर तक असर डालेंगे। जजमेंट एक स्ट्रांग डिसीजन लेने के बारे में है। तो जो भी ये पर्सन इस वीक में कहेगा आप उसको ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि काफी कुछ सोचने समझने के बाद, काफी सफर करने के बाद ये पर्सन ये डिसीजन ले रहा है। एंड ये जानते हैं कि ये क्या कह रहे हैं या क्या कर रहे हैं। एंड इनके इरादे हैं अपने वादों को पूरा करने के। ये पर्सन अपने जो भी आइडियाज है वो आपके सामने रखेगा, अपनी जो भी इच्छाएं हैं, इमोशंस। आपके लिए ये वीक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपके लिए कहने को कम और सुनने को ज्यादा होगा। जब ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा तो आप काफी सरप्राइज रह जाएंगे कि जो आप सोच रहे थे सिचुएशन उससे बिल्कुल अलग है या बिल्कुल डिफरेंट जा रही है।
शायद आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये पर्सन क्या सोच रहा है या क्या कर रहा है, एंड अब आपको बहुत अच्छी तरीके से अंदाजा हो जाएगा कि आखिर चल क्या रहा है। ओके इस वीक में बहुत सारी चीजें रिवील होंगी, आपके सामने आएंगी, एंड बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है ऑफकोर्स, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2023 की, तो इसके फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पिछले कुछ वीक से तो मैंने रीडिंग की ही नहीं, कुछ मेरे लाइफ में ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो गई, इतना ज्यादा क्योस क्रिएट हो गया कि मैं वक्त ही नहीं निकाल पाई, उसके लिए आई एम सॉरी। बट चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इस वीक में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। फाइव ऑफ सोर्ड्स, इनिशिएट, फाइव ऑफ सोर्ड्स, सॉरी फाइव ऑफ स्टार्स एंड एस ऑफ स्टार्स एंड सिक्स ऑफ सन। ओके तो हमारे पास इनिशिएट का भी कार्ड है यहां पे, तो इनिशिएट के कार्ड के साथ कुछ नया शुरू होने वाला है, कुछ नया स्टार्ट होने वाला है। इनफैक्ट बहुत दिनों से जो चीजें रुकी हुई थी वो फाइनली मूव करेंगी, एंड आपको लगेगा कि ओके अब चीजें राइट डायरेक्शन में बढ़ रही हैं। यहां पे इस पर्सन को देख रहे हैं, ये एक जर्नी पे है, इनिशिएट के बाद ये जर्नी का कार्ड है यहां पे। तो डेफिनेटली यहां जो भी आपको कमिटमेंट दिए जा रहे हैं वो एक नए डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं आपके रिलेशनशिप को, और ये पर्सन इस डायरेक्शन में जर्नी करने को तैयार है। ये पर्सन बिल्कुल भी डर नहीं रहा आगे आने वाले चैलेंजेस से। इनफैक्ट एस ऑफ सोर्ड्स के साथ अगर आप दोनों के बीच में साइलेंस थी अभी तक, तो ये साइलेंस खत्म होगी, एंड इस साइलेंस के बाद आप देख रहे हैं यहां पे सिक्स ऑफ सन है, तो फाइनली आपको ऐसा लगेगा कि आपने किसी सिचुएशन पे जीत पा ली है, या फाइनली आपके पॉइंट ऑफ व्यू को आपका पर्सन समझ पा रहा है। आपको लगेगा कि आप एक सिचुएशन में से सक्सेसफुली बाहर आ गए हैं और उस रिजल्ट के साथ आए हैं जो रिजल्ट आप चाहते थे कि इस रिलेशनशिप में आए, यानी ये पर्सन अपने इस बिहेवियर को समझे, अपने ऊपर वर्क करने की कोशिश करें, इस रिलेशनशिप की और आपकी अहमियत को समझे। वो सारी चीजें मुझे इस वीक में होती हुई दिखाई दे रही हैं। और फिर यहां पे कार्ड है फाइव ऑफ सन का, फाइव ऑफ सन के साथ लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनका सामना इस वक्त ये पर्सन कर रहा है, पर ये एक विक्ट्री का भी साइन है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपके लाइफ में कितने चैलेंजेस आ रहे हैं इस वक्त, आप डेफिनेटली इस फेज से निकल आएंगे। एंड यहां फाइव ऑफ सोर्ड्स आपके रिलेशनशिप में खासतौर से उस एरिया पे वर्क करने की बात कर रहा है जहां अभी तक आप वर्क नहीं कर रहे थे या जिसे आप इग्नोर कर रहे थे। तो अगर ये फैमिली इश्यूज थे जिसकी वजह से आप दोनों के बीच इतने ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे, या कुछ और इश्यू थे जिसकी वजह से आप दोनों के बीच इतनी प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो वो प्रॉब्लम्स रिमूव होंगी एंड ये पर्सन उन पर वर्क करने को तैयार हो जाएगा। फाइनली ये रेडी हो जाएंगे हर चीज को हैंडल करने के लिए। ओके हालांकि यहां पे कुछ इनिशिएशन जरूर नजर आ रहा है, पर ये जो इनिशिएशन है वो एकदम से ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ का डायरेक्शन बदल देगा। स्पेशली मैं इस रिलेशनशिप की बात कर रही हूं, डायरेक्शन बदलने से मेरा मतलब यह है कि अभी तक जो आप सोच रहे थे कि जो पॉसिबल नहीं है वो सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा पॉजिटिव सेंस में, क्योंकि लास्ट में यहां पे सिक्स ऑफ सन है, तो डेफिनेटली आप इस सिचुएशन से सक्सेसफुली बाहर आ जाएंगे। जो आपको इम्पॉसिबल लग रहा था वो भी यूनिवर्स आपको करके दिखाएगा। चलिए देखते हैं कि आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। Faith, humanity and benevolence. Stay calm. Trust the good in yourself and others. See the light in the world. ये कार्ड आपसे कह रहा है कि फेथ रखिए, भरोसा रखिए यूनिवर्स पे। लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं आपके लिए लिब्रा, और ऐसा फेज हमारी लाइफ में आता रहता है, पर इससे हमारी सोल इवॉल्व होती है। हम जो लेसन सीखते हैं उससे हम कॉन्शियसनेस पे हायर लेवल पे जाते हैं, एंड वो सारी चीजें हमें बाद में हेल्प ही करती है। तो अभी जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं उन पे फोकस मत कीजिए, मतलब ये मत सोचिए कि उनके वजह से आपका फ्यूचर किसी नेगेटिव वे में अफेक्ट हो जाएगा। वो हर चीज आपको बिल्ड कर रही है। ओके दुनिया में बहुत सारी लाइट है और पॉजिटिविटी है, उसकी तरफ
ध्यान देने की कोशिश कीजिए एंड फेथ रखिए, यूनिवर्स कुछ क्रिएट कर रहा है एंड कुछ क्रिएट करने में कभी कभी हमें कुछ पुरानी चीजों को दोबारा ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। तो ये है रीडिंग इस वीक की, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।